अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक टू प्रोग्राम। काफ़ी अर्से के बाद मैं अपने लेक्चर दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि एंड्रॉयड की सीरीज में से 2 से 3 लेक्चर रह गए थे जो कि मैंने वाइंड अप करने थे। उसके बाद मैंने फ्लटर ट्यूटोरियल सीरीज स्टार्ट करवानी है इंशाल्लाह। आप उस चैनल के अंदर फ्लटर ट्यूटोरियल सीरीज एंड्रॉयड के बाद मिल जाएगी। पहले प्योर नेटिव एंड्रॉयड एप्लीकेशन सिखाने का मकसद ये है कि आप डायरेक्ट फ्लटर की तरफ चलाना मारें, उससे पहले कि आप ये कुछ लेक्चर्स हैं एंड्रॉयड जावा के वो आप देख लें। इससे ये होगा कि आपको डॉट लैंग्वेज समझने में काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, एकदम आप डॉट पे आ जाएं और उसको सीखें। तो बाकी आपकी मर्जी, आप फ्लटर ट्यूटोरियल से उसको भी कंटिन्यू कर लें। तो मेरे एक तो लेक्चर रह गए थे वो वाइंड अप करने के, आज मैं इंशाल्लाह कुछ एंड्रॉयड के लिहाज से लाइब्रेरीज का बताता हूँ। वो लाइब्रेरीज का बताने के बाद अगर आप मुझे नीचे कमेंट्स में कहेंगे तो वो लाइब्रेरी यूज़ करना भी बताऊँगा। फिलहाल मैं एंड्रॉयड का जब बेसिक्स पढ़ा रहा था तो बेसिक्स कवर अप करने के बाद मैंने कहा था कि कुछ प्रोफेशनली बताऊंगा कि आप ये लुक एंड डिज़ाइन कैसे बनाते हैं। तो आज कुछ एंड्रॉयड के लिहाज से एक वेबसाइट है एंड्रॉयड अर्सनल में बेसिकली ये होता है कि आप को बनी बनाई एंड्रॉयड की लाइब्रेरीज मिल जाती है। आप प्रोफेशनली काम करना चाहते हो, आप कहते हो कि मुझे डायलॉग प्रोफेशनल चाहिए, बट मतलब सिंपलिस्ट मैंने आपको सिखाया था। तो एक किस्म का ये एंड्रॉयड का खजाना है यहाँ पे, मतलब एंड्रॉयड की काफ़ी सारी चीज़ें बनी बनाई मिल जाती हैं यहाँ पे। मुझे डायलॉग्स चाहिए, लेआउट डिज़ाइन चाहिए और सारा कुछ लाइब्रेरी बनी बनाई पड़ी है। इनको लाइब्रेरी को यूज़ कैसे करना है वो इन्हें नीचे डिटेल दी होती है। अगर आप लोगों को फिर भी यूज़ करने में इश्यू आ रहा हो तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, अगर तो मैं आपको इन लाइब्रेरीज का मजीद यूज अप बता दूंगा कि इसको हमने इंप्लीमेंट कैसे करना है। सारा कुछ डिटेल दी होती है इसका, यहाँ पे इंटरफेस भी दिया होता है। अक्सर लाइब्रेरीज का यहाँ पे नहीं नजर आ रहा, बट काफी लाइब्रेरीज होती है जिनका आपको डेमो भी दिया होता है कि यार ये इस तरह से दिखेगी। तो मेरा इस लेक्चर थोड़ा सा लेक्चर देने का मकसद ये था इस कि आपको थोड़ा सा अट्रैक्टिव वे में भी लेकर जाया जाए, जो एंड्रॉयड जिन्होंने पढ़ लिया जो पढ़ रहे हैं एंड्रॉयड के लिहाज से, तो उनको ये चीज़ें आनी चाहिए। देखिए ये कितनी प्यारी प्यारी लाइब्रेरीज हैं, इन लाइब्रेरीज को यूज़ करने का तरीका नीचे बताया गया, इम्प्लीमेंटेशन ईच एंड एवरीथिंग। ये लाइब्रेरीज आप तब ही यूज़ कर सकते हैं जब आप अच्छी एंड्रॉयड नॉलेज रखते हैं या कुछ भी। तो काफ़ी सारी लाइब्रेरीज होती हैं जैसे लेआउट के लिहाज से। तो बेसिकली आज मेरा ये लेक्चर देने का मकसद ये था कि आप एंड्रॉयड के बेसिकली, मैं इसको एंड्रॉयड का खजाना कहता हूँ क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारे डेवलपर ने कंट्रीब्यूट किया हुआ है और काफ़ी सारा चीज़ें आपको बनी बनाई मिल जाती हैं। आप अपनी ऐप के अंदर इम्पैक्ट करके अपनी ऐप को प्रोफेशनल लुक दे सकते हैं। ये ना हो कि आप मतलब बेसिक्स खुद ही बनाने बैठ जाएं। जब आप प्रोफेशनल वे में जाते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको बनी बनाई यूज़ करनी, क्योंकि आपको क्लाइंट को जल्द अज जल्द काम चाहिए होता है और आप वहाँ से ही आपकी वहाँ मतलब यहाँ से लाइब्रेरी उठाते हैं, इम्पैक्ट करते हैं और उनको काम दिखाते हैं। तो बेसिकली मेरा मकसद था एंड्रॉयड का बेसिक्स आपको पढ़ाना, उसके बाद यह था कि मैंने आपको ये एंड्रॉयड लाइब्रेरीज के बारे में बताना कि एंड्रॉयड एंड ऑफ मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि एंड्रॉयड के लिहाज से आपको हर चीज़ बनानी आती हो। ये ना हो कि कोई कहे कि यार ये चीज़ यहाँ पे डिटेल लिखे थे किस लैंग्वेज को सपोर्ट करती है, ये बिल्डअप कैसे हुई, इसका सारा कुछ है कि आप डेमो ले सकते हैं उसका सारा कुछ, ये सारा उसका डिज़ाइन है। तो एंड्रॉयड अर्सनल बेस्ट वेबसाइट है एंड्रॉयड लाइब्रेरीज के लिए। इसके अंदर डिफरेंट आपको बटन्स के डिज़ाइन मिल जाएंगे, डिफरेंट आपको इमेज फीचर मिल जाएंगे, मतलब बेतहाशा इसके अंदर प्रॉपरली वेबसाइट बिल्ड है। इसके आप एंड्रॉयड अगर करते हैं तो आपको ये चीज़ जरूर बताना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर आपको काफ़ी सारी चीज़ें बनी बनाई मिल जाती हैं और आप अपनी ऐप के अंदर इम्पैक्ट करके प्रोफेशनल लुक में लेके आते हो। ये सारा कुछ इम्प्लीमेंटेशन इसको ग्रेडर फाइल में लेके जाना है, उसके बाद डिपेंडेंसी होनी चाहिए, इस तरह से ईच एंड एवरी थिंग एक्सप्लेन की गई है इस वेबसाइट। ये वेबसाइट बहुत ही ऑसम वेबसाइट है। तो एंड्रॉयड के तो लेक्चर रह गए हैं यहाँ पे, ये देखिए कुछ डिज़ाइन बताए हैं, फिर बटन ऐसे बनाते हैं, फैंसी स्विच ऐसे होते हैं। तो ये लाइब्रेरीज अगर आपको यूज ना करनी आ रही हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि सर ये वाली लाइब्रेरीज हम यूज करना चाह रहे हैं बट यूज नहीं होगी, तो इंशाल्लाह आपको वो लाइब्रेरीज को यूज करने का भी बताऊंगा कि जिस तरह, क्योंकि अक्सर लाइब्रेरीज बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, वो आपकी ऐप में एम्बेड नहीं हो रही होती, तो आप उनको एम्बेड करने के लिए मैं एक लेक्चर बना लूंगा उस लाइब्रेरी के रिलेटेड, तो इजीली एम्बेड हो जाएगी। तो बाकी इंशाल्लाह मैं फ्लटर की ट्यूटोरियल सीरीज स्टार्ट करूंगा, दो एक दो लेक्चर वाइंड अप करने के बाद एंड्रॉयड की ट्यूटोरियल सीरीज के बाद,
उसको प्रॉपरली हम मतलब उसके अंदर रिस्पॉन्सिव यूआई कैसे बनाते हैं, वेब, डेस्कटॉप, एंड्रॉइड, सारा कुछ। तो काफी कुछ है जो मैंने इसके इस चैनल के ऊपर मैंने डालना है। तो और ये नहीं है कि मैं कोई चीज छुपाऊंगा, ये कुछ भी नहीं छुपाऊंगा, जो चीज आप प्रोजेक्ट्स के लिहाज से बना लूंगा, फायरबेस के लिहाज से, ऑनलाइन डेटाबेस के लिहाज से, ये सारा कुछ आपको बताऊंगा कि एंड्रॉयड में आप ये चीजें, एंड्रॉयड में आपको बहुत कम लोग बताते हैं प्रोफेशनल डेवलपर, क्योंकि ये चीजें काफी छुपी हुई होती हैं, या जिनको पता होंगी तो वेल एंड गुड, जिनको नहीं पता होगी तो उनकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हो जाएगा कि यहाँ पे बनी बनाई लाइब्रेरीज हैं, उनकी कैटेगरीज बनाई हुई हैं। तो सारा कुछ पड़ा हुआ है, कार्ड्स हैं, तो आप यहाँ से लाइब्रेरीज लें और अपनी ऐप डाउनलोड करें और प्रोफेशनल में रख लें। तो अगर आप प्योर नेटिव एप्लीकेशन करना चाहते हैं, प्योर कर लें, उसके बाद फ्लटर टेक्नोलॉजी स्टार्ट करने लगाऊँ, तो आप वहां से अपना फ्लटर लर्निंग कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला इसके बाद मैंने ये चीजें कुछ बतानी थी, ये देखो कितना प्यारी लाइब्रेरीज है और इसी तरह ये आप इनको यूज कैसे करते हैं, सारा कुछ इसका बना बनाया कोड, ये सोर्स कोड होता है, आप सोर्स कोड डाउनलोड कर लें, एपीके फाइल, और ये सारी चीजें आप डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये सोर्स कोड आपने पूरा खाना उठा लें, फिर देख लें अगर आपको यहाँ से इम्पैकिंग में कोई मसला आ रहा है। उसके बाद एपीके फाइल है, ये सारा कुछ, ये उसका लिंक है गिटहब का, सी आल्सो, इसके रिलेटेड जितनी लाइब्रेरीज हैं, अपडेटेड कितने उठा हुई, एंड्रॉयड, ये सारा कुछ बताया गया, ठीक है। बहुत ही जबरदस्त सी एंड्रॉयड की हर चीज, ये काफी सारी हैं चीजें इसके अंदर जो आप यूज करेंगे तो आप मजीद आप एंड्रॉयड के लिहाज काफी सारी, जो फुली एंड्रॉयड लर्नर हैं तो उसके लिए बेस्ट साइट है, आप अपना मतलब स्पिनर के लिहाज से, मतलब काफी सारी जितना भी एंड्रॉयड के अंदर आप प्रोफेशनल लुक देख रहे थे, सारी लाइब्रेरी यहाँ पे कंट्रीब्यूटेड है, फ्री है, फ्री ऑफ सोर्स है, कुछ होंगी जो एक दो, मैंने ज्यादातर इसके ऊपर फ्री ऑफ सोर्स देखा है कि फ्री लाइब्रेरी उन्होंने कंट्रीब्यूट की है। तो मेरी कोशिश यही है कि आपको ये चीजें बतानी थी, एंड्रॉयड के लिहाज से कुछ चीजें कवर अप करवानी थी। तो एंड्रॉयड का इंसर्ट अपडेट डिलीट बता दिया था, अब सिलेक्ट हम सर्वर से डाटा पहुंचा तो दिया था, सर्वर से डाटा रिटर्न कैसे करते हैं, ठीक है। तो वो मैंने आपको एंड्रॉयड के अंदर बस बताना है, उसके बाद मैंने फ्लटर ट्यूटोरियल से स्टार्ट कर देनी है। तो फ्लटर प्ले लिस्ट के साथ एंगेज हो जाएगी, अगर कोई आपको मसला आ रहा है आप कमेंट में बताइएगा, अगर अच्छी वीडियो लगी तो आपकी मर्जी करें या ना करें, बट मैं आपको बेसिकली यहाँ पर लर्निंग करवाने आया हूँ, तो आप लर्न करें और इंशाल्लाह ताला आप फ्यूचर में अच्छे एंड्रॉयड, अगर जब आपने एंड्रॉयड को ऑक्यूपाई करना है तो आप एंड्रॉयड अच्छे लेवल पर बढ़ सकते। जितना मैंने पढ़ा है इसी से मैंने काफी कॉम्प्लिकेटेड एप्लीकेशन बनाई है, वो भी ऐसे ऐसे उनकी बोर्ड उनकी चीजें अपलोड करूंगा साथ साथ। तो इंशाल्लाह बाकी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलते हैं एंड्रॉयड के, उसके अंदर आपको बताता हूँ कि सर्वर से वापस सारा डाटा कैसे लाते हैं। तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।